Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering drawing topics जिसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट का। तो आपने एंजॉय किया होगा जी, और आपको भी पता है कि रिजल्ट तो ज़्यादा इधर उधर होने वाला नहीं है। तो कंग्रेचुलेशन फॉर एवरीवन जो जो सेलेक्टेड हुए CBT 1 में। तो CBT 2 के लिए चलिए एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इसमें हम लोग टेस्ट है, जो टेस्ट इससे पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट बना रखे हैं। इससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड के और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। जो भी नए हैं तो जाकर उन सब वीडियो को देखें, उसके बाद ही टेस्ट वगैरह लगाएं जी। मैं बात करूं तो टेस्ट चल रहा है, इसमें टेस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने टेस्ट इससे पहले वाला डाल दिया है। इसके बाद की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस थोड़ा पीछे है तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आपको अब मैं ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह पढ़ा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने, इलेक्ट्रिकल का मैंने सारे सिलेबस खत्म कर रखे हैं, उसके न्यूमेरिकल लगाइए जी। और बात करते हैं अभी यूनिट के लिए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। और जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूँ, आप उसको सेट रिमाइंडर जो है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिल सके। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो आपको बेल आइकन वगैरह है, जो सेट रिमाइंडर है, उसको ऑन कीजिए, क्योंकि छोटे चैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार कि लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और दोस्तों को भी रिकमेंड करे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। आप ही के शेयर और लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि सेशन कैसा है, जो टेस्ट वाला चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चल रहा है, उन्हें भी बताएं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत परेशान हैं। बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वीडियो पे वो क्या है नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो उन्हें भी रिकमेंड करें कि आप इस चैनल पे भी आके देख सकते हैं जी। देखिए, मैं बुक रख के पढ़ाता हूँ, तो कुछ लड़कों का ये भी कमेंट था कि सर बुक से न पढ़ाए, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं बुक से ज़्यादा, आपको भी पता होगा कि मैं जब बताता हूँ तो बुक से ज़्यादा ही बताता हूँ। तो बुक एक मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस बात पर ध्यान न दीजिए, मैं बुक से पढ़ाता हूँ, देख के बुक से पढ़ाने का केवल मैं हिंट लेता हूँ, लेकिन बाकी सब क्या है जी, उससे ज़्यादा ही मैं बताता हूँ। तो कि आज का टॉपिक है जो यूनिट एंड डायमेंशन है, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं जी, टेस्ट लेने वाले हैं, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एक सीमाएं होती है। तो हमने इस जब थ्योरी में इसको पढ़ाया था, तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी क्वांटिटी का नोट लिखा था जिसमें क्या होती है जी, जिनका यूनिट क्या था, होता सेम था। तो वही बोल रहा है बीमाएं किसकी डायमेंशन है, बीमाएं का मतलब क्या है जी, डायमेंशन है। तो बीमाएं किसके बराबर होगी, आवेग संवेग का बराबर होता है, आवेग संवेग है जी। तो पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, बल शक्ति बराबर क्या होता है जी, ऊर्जा बराबर एफ एस होता है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए आपको भी पता है कि हमने सबकी यूनिट निकालने से आपको सिखा दिए हैं, उसके हिसाब से आप भी क्या करते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रटना नहीं है जी, सबको समझना है। देखिए, संवेग है, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला होगा तो क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा जी, एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो देखिए, एनर्जी का क्या होता है, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे एम तो एम मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो कभी यूनिट सेम आएगा, नहीं आएगा। तो पहला आंसर गलत, कोई भी एनर्जी ले सकते, ऊर्जा ऊर्जा है जी। इसके बाद क्या है, आवेग, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू टी। और ऊर्जा का क्या होता है जी, ऊर्जा का होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए, एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, एम ए इंटू टी। तो एम तो मैच कर गया, एक्सेलेरेशन और टाइम मिल के क्या वेलोसिटी हो सकता है जी, वेलोसिटी स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, यू प्लस एटी होता है, एटी होता है, तो एटी तो वी हो सकता है, लेकिन वी स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, बल, बल क्या होता है, एफ बराबर एम ए। और शक्ति क्या होती है जी, शक्ति होती है, देखिए, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर एफ इंटू एस होता है, इसको अगर टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, तो एफ एस अपॉन टी हो जाएगा पावर। देखिए, फोर्स का एम, अब देखिए यहाँ पे जब फोर्स ऑलरेडी है तो क्या फोर्स और ये बराबर हो सकता है जी, क्योंकि इसका अपोजिट चाहिए, अगर जो भी एक्सेलरेशन का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उल्टा नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। आवेग संवेग को तो हमने नोट करके लिखाया ही था कि क्या होता है जी, उसका क्या होता है जी, बराबर होता है, तो बीमाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसमें देखिए, बहुत सारे ऐसे भी न्यूमेरिकल इसमें करना है, एफ गुना टी बराबर क्या होता है, संवेग, क्या होता है, अब ये हो गया एफ इंटू टी, संवेग क्या होता है, एम भी, ये क्या होता है जी, बराबर हो जाता है।
बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल भी करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है? आपेक्षिक घनत्व का क्या होगा जी? कोई भी नहीं होगा, डायमेंशन इसमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है जी? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी वन अपॉन डेंसिटी टू जब करेंगे तो इसका भी तो क्या होता है, सेमी यूनिट होता है, इसका भी सेमी यूनिट होता है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है? देखिए कार्य और स्थितिज ऊर्जा देखते हैं जी। कार्य देखिए ऊर्जा और कार्य क्या होता है, बराबर ही होता है। स्थितिज ऊर्जा हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो तो क्या होगा जी, वो बराबर होगा। तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, एफ इंटू एम जी एच होता है, स्थितिज ऊर्जा का एम जी एच होता है, सॉरी एम जी एच। ये क्या है, एम क्या है मास है, जी क्या है एक्सेलरेशन है, हाइट है। कार्य का क्या होता है, एफ एस होता है, तो एफ क्या होता है एम ए होता है, एम मास है, ये क्या है एक्सेलरेशन है, ये भी मास एक्सेलरेशन है, ये हाइट है तो मीटर में लिखा है, डिस्टेंस होता है ये भी तो मीटर में ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों का बराबर हो जाएगा। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है जी, यानी जी है और घनत्व है, तो डेंसिटी है, डेंसिटी अपन एक्सेलरेशन, ये डेंसिटी एक्सेलरेशन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। बल है संवेग है, बल का क्या होता है जी, संवेग बराबर क्या होता है एम भी होता है, फॉर्मूला पी बराबर एम भी होता है, बल का क्या होता है बराबर एम ए होता है, तो यहाँ एम ए सही है, भी है, एक्सेलरेशन तो बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा। प्रतिबल स्ट्रेस और स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन समझिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का होता है प्रतिबल में स्ट्रेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का होता है डेल्टा एल बाई एल, तो ये यूनिटलेस होता है, ये क्या होता है यूनिट होता है इसका, ये फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा ना, तो पास्कल होगा इसका, इसका यूनिटलेस है, तो दोनों का बराबर तो नहीं हो सकता है, तो थ्री का। तो ऐसे ऐसे हमको समझना है और बनाना है जी, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा जाएं आप इसको वीडियो देखें जी, हमने वीडियो में बहुत सारे मेथड ऐसे बताए हैं जिसके क्या है जी यूनिट और डायमेंशन निकालने हैं, तो प्लीज आप पहले वीडियो देखें उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा जी। टेस्ट मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है जी, और मैंने अपने चैनल का नया नेम दिया है जीनियर स्टडी, तो जीनियर स्टडी से अब अगर वीडियो आप खोजेंगे तो उससे भी आपको यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो आएगा। जीनियर स्टडी लिखते वक्त आप जीनियर और स्टडी साथ में लिखिएगा जी, जीनियर का स्पेलिंग होता है जीनियर, क्योंकि मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच भी स्टार्ट किया चुका हूं, तो जीनियर स्टडी लड़के सब समझ पाएंगे कि जीनियर डायोड होता है, वहां पे जीनियर डायोड में यूज किया जाता है जी, स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी समझ सकते हैं, उनके ब्रांच में भी आने वाला है क्वेश्चन जी। उष्मा का मात्रक कौन कैलोरी लगभग बराबर होती है? देखिए उष्मा के मात्रक बोला एक कैलोरी में कितनी होती है, तो 4.11। देखिए अब यहां बात समझिएगा, कहीं कहीं क्या करता है जी, यही डाटा जैसे 4.184 है तो कहीं कहीं डाटा 4.2 भी लिखा रहता है, तो वो भी देखना होगा कि अब कहां 4.2 हमको दिया है, कहां हमको 4.184 दिया है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्थ गुणांक की इकाई, देखिए जी यंग प्रत्यास्थ क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला, यंग मॉडुलस वाई होता है, बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। अब देखिए डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, यूनिटलेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है जी, पास्कल होता है यानी प्रेशर होता है, तो प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा ऊपर न्यूटन, नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो नीचे वाला डेल्टा एल बाई एल तो क्या है यूनिटलेस है, तो क्या हो जाएगा आंसर ही हो जाएगा, तो फाइव का आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा जी, फाइव का आंसर ई हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी आप मेरे वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाएं और उन सब वीडियो को देखें जी, उसके बाद आपको मेरा कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा, लेकिन जो नए हैं उनको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। संवेग द्रव्यमान और वेग को निम्नलिखित में रूप में संबंधित कीजिए, देखिए अब बोल रहा है संवेग द्रव्यमान और वेग को, तो संवेग का फॉर्मूला लिखिए, संवेग बराबर क्या होता है एम भी होता है, तो मास में या वेलोसिटी में क्या हो जाएगा रिलेशन आ गया, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर एम वी, एम वी आ गया बी आंसर, ठीक है जी, तो सेवन का सिक्स का बी हो जाएगा। सेवन बढ़ते हैं, एक केजीएम वेट निम्नलिखित के समतुल्य है, देखिए ये बोल रहा है एक केजीएम यानी एमकेएस सिस्टम में जो है फोर्स किसके बराबर होता है, तो डाइन है जी, ये डाइन क्या है जी, ये डाइन क्या होता है सीजीएस सिस्टम में होता है, तो क्या हो जाएगा 9.8 डाइन हो जाएगा, ये वैल्यू याद करना है जी, सेवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए तो 9.1 क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ये आंसर बी हो जाएगा सेवन का, ठीक है जी।
नहीं सॉरी, ये एमकेएस में वो पूछ रहा है 1 kg एम वेट, यानी 1 kg का अगर मास लीजिएगा, 1 kg का अगर मास लीजिएगा तो बोल रहा है कि वो कितना फोर्स जनरेट करेगा। वही बोल रहा है 1 kg एम वेट किसके बराबर होता है, तो वेट बराबर क्या होता है जी, mg होता है, mg। तो m क्या होता है, 1 kg m है, g क्या है, 9.8 है, तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिखा था, कोई बात नहीं, आप सोच समझिए, तो क्या जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो रटने वाला होगा मैं उसको बता दूंगा, खुद बता दूंगा, जो नहीं रटना है, जिसको कंसेप्ट समझना है, हम लोग उसको कंसेप्ट से डील कर रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है जी, जूल इकाई। जूल की इकाई क्या होती है जी, जूल की सॉरी किसकी इकाई होती है, तो जूल क्या है जी, एनर्जी है। एनर्जी किसकी है, एनर्जी कौन सी है, यहाँ देखिए एनर्जी है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अगर याद होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए यूज करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए यूज करते हैं जी, एनर्जी के लिए करते हैं, तो एनर्जी हो जाएगा आंसर 9। जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाया है आपको कभी पता होगा, ई इंटू वोल्ट, ई मैंने चार्ज है, इंटू वोल्ट है, क्यू इंटू वोल्ट सो क्या होता है जी, आपको एनर्जी होता है, एनर्जी के होता है क्या होता है, क्यू इंटू वोल्ट होता है, तो इसको याद रखिए। देखिए क्यू ये वेलोसिटी नहीं है जो वोल्ट है, तो यहाँ से एनर्जी का आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए क्या जाएगा, यूनिट आपको खुद पता चल जाएगा, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है जी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको अल्टीमेटली याद ही करना पड़ेगा। बोला है अभी निरूपित कीजिए, बोला है ये जो डायमेंशन है किसका है, तो डायमेंशन किसका है जी, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो पावर में, देखिए पहले अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे उसमें चेक करेंगे जी, पावर का क्या होता है, एफ एस बाई टी होता है, पावर मतलब एफ, देखिए पावर में क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी, तो वी को क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन टी लिख सकते हैं जी। अब देखिए या इसको वी लिख लीजिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पावर, तो फोर्स को क्या लिखते हैं जी, एम ए लिखते हैं, एम ए इंटू वी। अब देखिए एम का क्या होता है, एम होता है मास के लिए, एम लिखते हैं, एक्सेलरेशन के क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी के क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, तब देखिए मैच किया नहीं मैच किया जी, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, एम का एम हो जाएगा बी का क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर के लिए एल पर सेकेंड, इसमें स्क्वायर करना था स्क्वायर कर दिए, तो आ गया जी, तो आ गया मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा जी, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़्यादा जो है जरूरत है। यूनिट एंड डायमेंशन क्या करते हैं लड़के, पूरा का पूरा यूनिट रट लेते हैं, जो कि क्या है बहुत ही एक बैड तरीका है, बहुत ही बैड तरीका है जी। कितना रट पाइएगा, आपको भी पता है ऐसे ऐसे अननोन क्वांटिटी दे दी जाएगा, उसको भी निकालना दिया जा सकता है जी, अगर पेपर टफ करना हो तो। चलिए, तरंग दैर्ध्य सामान्यतः निम्नलिखित में से मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य किसमें मापा जाता है जी, माइक्रोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किसमें नापा जाता है, तो वो भी पता होगा कि तरंग दैर्ध्य किसमें बोला जाता है, लेमडा किसमें बताया जाता है जी। तो अब देखिए इसमें तरंग दैर्ध्य बोल रहा है मीटर, देखिए अगर बात की जाए लेमडा का, तो लेमडा है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसमें होना चाहिए जी, यूनिट लेमडा डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर होता है, ऐसा यूनिट चाहिए ना जी, तो हम मीटर में ही लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए किसमें नापा जाता है, तो एंगस्ट्रम अगर ऑप्शन में रहता है तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है जी, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको लिखना चाहिए एसआई माप क्या है, मीटर है। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य अगर एंगस्ट्रम में दिया रहेगा तो उसमें मापा जाता है जी, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा। मैं एकदम जो मुझे पता है वही बताता हूँ जी, नहीं पता रहेगा नहीं बताऊंगा मैं। 1 न्यूटन कर एक बल लगा लगभग बराबर होता है, बोला है कि 1 न्यूटन यानी क्या है, 1 न्यूटन क्या है जी, फोर्स है, बोल रहा है बल लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है जी, तो चलिए कितने ग्राम के भार के बराबर होता है, देखिए अगर 1 न्यूटन एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ क्या हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा, मास को हमको निकालना है कितना मास के बराबर, ए क्या होता है जी, एक्सेलरेशन कितना होता है जी, एम जी सॉरी एम जी क्या होता है जी होता है 9.8, तो एम से यहां से आ जाएगा 1/9.8 जो आपको आ जाएगा, ये आपको 1 kg से ज्यादा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 kg से ज्यादा आ जाएगा, 12 का आंसर दिया हुआ है ई, यहाँ पे क्या है जी ग्राम भार, 102 ग्राम भार हो जाएगा जी, 102 ग्राम भार। अच्छा जी देखिए 1.02 kg आएगा, ठीक है ना, तो उसी को लिखा है जी
एक्चुअली यहाँ पे इसको जीरो भी देना चाहिए जी, ग्राम भर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी इसमें मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह क्या है जी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको सुधार देता हूँ। आगे बढ़िए, ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होती है जी, तो कैंडला होती है। 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 बढ़ते हैं, जी का आयाम क्या है, जी क्या है जी, देखिए मैं बोल रहा हूँ किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 upon r square। जो भी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा जी। तो एफ बराबर क्या है, जी एम वन एम टू। अब इसका पोल लाइक यूनिट चाहिए तो हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब सबका वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जी का आ जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, m a m a r square upon m1 m2। एक m से m काट देते हैं, ये क्या है जी, एक्सेलेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। तो मीटर को l से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। r को l स्क्वायर, मास को m से लिखेंगे, हो गया। देखिए यहां से क्या मिला हमको, तो m इनवर्स मिला। m इनवर्स किसमें है, m इनवर्स इसमें है, और l क्यूब है, t माइनस टू है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया 14 का ई अंगस। यहां से समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है जी का निकालने का। कोई भी फॉर्मूला पहले याद कीजिए, उस फॉर्मूला को याद रखिए, यूनिट स्टैंडर्ड याद रखिएगा, डेराइव्ड यूनिट याद रखिएगा, आपको सब कुछ निकल आएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं। 15 एसआई पत्ती का प्रचलन कब से है, बोले एसआई पत्ती का प्रचलन कब से, सॉरी। तो 15 का क्या हो जाएगा, अब ये तो क्वेश्चन रटना है 1971 जी, तो इसको आप याद कर लीजिए, क्या कीजिए इसको याद करिए। देखिए अब मैं जैसे बताया इसको मैंने गोल घेर दिया, आप भी ऐसे ही करते वक्त आपको जो नहीं आ रहा हो उसको आप गोल घेर दीजिए, उसको क्या कीजिए आप बाद में उसको याद कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको रिवीजन करते वक्त बस उसी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जैसे भी इसमें रटना, इसमें कुछ किया नहीं सकता। तो 1971 में बोल रहा है क्या है जी, एसआई पत्ती का प्रचलन हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तो हमको रटना ही पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है जी, तो एफ क्रॉस आर होता है, क्या होता है, एफ आर होता है। F के लिए क्या लिखते हैं, एम ए आर। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, 16 का आंसर बोल रहा है कि सी है। देखिए जी ए मास के लिए केजी हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है आर क्या है जी, ये भी होता है मीटर। तो यहां से हमको पता चला जड़त्व आघूर्ण, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूं, मुझे भी डाउट है जी, इसमें कोई बात नहीं, मैं इसको कल भी डिस्कस करता हूं। मुझे अभी तक इसमें कुछ एक्चुअली मैं इंग्लिश हिंदी जो वर्ड है ना जड़त आघूर्ण उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 मैं उसको कल भी डिस्कस कर दूंगा, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जूल सेकंड इकाई की बोला है, जूल सेकंड की इकाई क्या होगी जी, आप इसको बता सकते हैं। तो जूल सेकंड की इकाई देखिए बोला है, जूल है, जूल है, सेकंड है, जूल किसका होता है जी, एनर्जी का होता है। एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, टाइम से मल्टीप्लाई किया हो गया, तो सबका निकाल लेते हैं, किसका किसका निकाल लेते हैं जी, अपने आप पता चल जाएगा। देखो जूल सेकंड बताना जी, ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की तो जूल ही होता है, जूल सेकंड तो इसका होना ही नहीं है। वेग का क्या होता है जी, वेग का तो मीटर पर सेकंड होता है, ये भी नहीं होगा, दोनों छट गया। आवृत्ति की क्या होती है, तो इसका तो क्या होता है, 1/2 टाइम होता है, तो 1/2 सेकंड होगा, इसका भी नहीं होगा। अब कोणीय संवेग बचा, कोणीय संवेग का निकाल के देखते हैं जी, तो कोणीय संवेग क्या होता है जी, संवेग होता है P बराबर mv, यानी m और v कोणीय चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mv² / r, ये फोर्स होता है। चलिए तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, क्या होता है mvr। तो m का क्या हो जाएगा जी यूनिट, m का m, अब v को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेशन बाय टाइम लिख सकते हैं जी, सॉरी एक्सेलेशन इंटू टाइम लिखेंगे ना, एक्सेलेशन इंटू टाइम लिखेंगे इंटू r। देखिए f बराबर क्या होता है, m में होता है, एक्चुअली इतना लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पर रख देते हैं ना। जूल क्या होता है, जूल एम वी आर होता है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला एम वी हो गया, हमको चाहिए जूल और सेकंड में बनाना है जी, ठीक है। तो एम को एम लिख देते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये है आर, ठीक है जी। तो टाइम के लिए हमने निकाल दिया, चलिए
MAR इंटू टाइम, टाइम के लिए हमने सेकंड यूनिट लिख दिया। और देखिए यहाँ पे क्या है, F है, MA क्या होता है जी, F होता है इंटू R, FS क्या होता है जी, ये भी R है तो S है ना, तो FS क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क, तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, जूल लिखेंगे और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहां से हमको जूल सेकंड आ गया। लेकिन कोई भी बात लिखा हो हम उसको क्या करेंगे जी, चेंज करके क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहिएगा याद करने के लिए तो लाखों लाखों यूनिट्स एंड डायमेंशन है, आप कैसे याद कर पाएगा, नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कोणीय संवेग की विमीय सूत्र। कोणीय संवेग है जी, अब कोणीय संवेग अभी हमने निकाला है, कोणीय संवेग का क्या निकाला है जी, जूल सेकंड निकाला है, लेकिन अब चाहिए हमको एमएलटी, एमएलटी चाहिए तो एमएलटी निकाल लेते हैं जी, एमवीआर से निकालेंगे, एमवीआर, एम का क्या होता है, एमवीआर, एम, एम का क्या होता है, एम तो मास है तो एम लिख देंगे, वी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया, आर क्या हो जाएगी, एल, अब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, यानी 18 का सी आंसर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा जी, इसमें गलत दिया हुआ है 18 का आंसर, आंसर डी दिया हुआ है, देख लीजिएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको मैंने जब थ्री भी पढ़ाया था कोणीय संवेग का, वहां भी मैंने पढ़ाया होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं जी, एक लिस्ट भी बनाया था, उस पूरे लिस्ट में हमने क्या किया था जी, सब बहुत सारे क्वांटिटी को हमने किया था सॉल्व, तो प्लीज आप जाकर वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, यूनिट मैंने डायमेंशन कब पढ़ाया जी। एसआई इकाइयों में ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है जी, कार्य की क्या होती है, जूल होती है, ऊर्जा की क्या होती है, सेम होती है, जूल होती है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टेम्परेचर, ताप को मापने की इकाई क्या होती है जी, ताप को मापने के लिए क्या होता है, सेल्सियस होता है, कैलोरी तो नहीं होता, कैलोरी तो एनर्जी है, तापक्रम तो सेल्सियस होगा, 20 का क्या हो जाएगा जी, आंसर ए हो जाएगा। 21, बल अपन क्षेत्रफल क्या होता है, फोर्स अपन एरिया क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया अभी बताए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है जी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, इसको स्ट्रेन बोलते हैं, तो देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगा जी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये बोल रहा है फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ये तो यूनिटलेस हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता हो जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा जी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखिए ये फोर्स अपॉन एरिया किसका है जी, फोर्स अपॉन एरिया किसका है, प्रतिबल का है, प्रतिबल यहाँ पे मार देंगे, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया, यंग केवल गुणांक दिया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर देता तो यहाँ पे भी टी लगा सकते थे जी, तो दो दो मल्टीपल भी ऑप्शन हो सकते हैं इसके बनाने के लिए जी, ठीक है ना, तो वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में बोल रहा है, निम्न युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, किसका नहीं है, तो देखिए कार्य हो, एनर्जी हो, क्या हो जाएगा, सेम होता है, आवेग संवेग का हमने नोट में ही लिखा था क्या होता है जी, सेम होता है, अभी भी हमने प्रूफ भी किया है, भार और बल, देखिए भार और बल भी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि भार निकालते हो क्या है जी, फोर्स निकालते हैं, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान नहीं है ये, भार है जी, भार को वेट बोलते हैं इंग्लिश में, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं जी, तो भार और बल क्या है जी, भार और बल क्या है, सेम है, अब बल और दाब इसलिए सेम नहीं है, दाब बराबर क्या होता है जी, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो बल अलग हो गया, प्रेशर अलग हो गया, तो ही बोला है विमीय सूत्र सेम नहीं होंगे, किसके नहीं होंगे, जिसका फॉर्मूला सेम नहीं होगा वो अलग हो जाएगा, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ई हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई कौन कौन सी नहीं है जी, तो ऊर्जा निकालिए, ऊर्जा की इकाई नहीं है, अच्छा जी, ऊर्जा के लिए जूल होता है, ठीक है, वाट किसका होता है, पावर का होता है, वाट किसका होता है, पावर का, तो ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, बी। देखिए कभी कभी दूसरे के हेल्प से भी क्या होता है हमको निकल जाता है, तो पावर होता है, अब किलोवाट, किलोवाट घंटा यानी क्या है, किलोवाट घंटा यानी केजी मास इंटू किलोवाट, सॉरी किलोवाट क्या है जी, मास नहीं है ना, किलोवाट पावर है इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है जी, एनर्जी होता है, एनर्जी है, तो एनर्जी भी सेम हो जाएगा। न्यूटन मीटर, एफ एस बराबर क्या हो जाएगा जी, ये भी वर्क हो जाएगा, वर्क का भी क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, तो मैंने इकाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका इसका सेम हो जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी कार्य हो, ठीक है ना, उसका यूनिट क्या होगा, सेम होगा, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका क्या होता है, एक ही होता है यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है जी, तो 746 वाट, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, तो सीजीएस प्रणाली में देखिए एमकेएस में न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है जी, डाइन होता है, तो क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बी हो जाएगा।
तो क्वेश्चन देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस उसको क्या है जी, थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। आपको भी पता है कि क्वेश्चन जो आज है लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल क्वेश्चन क्या है जी, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो उसको समझिए, सही से उसको बनाइए जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, बोला है जी की इकाई क्या है, तो जी क्या है अभी तो निकाले थे जी ग्रेविटेशन का, एफ फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, तो एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये यही तो कैपिटल जी का बताना है, स्मॉल जी नहीं है, याद ध्यान रखिएगा कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों क्या है जी, अलग अलग चीज है। तो हमको कैपिटल जी के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, एफ गुने आर स्क्वायर, एम वन एम टू हो जाएगा इधर, ये जी हो गया। अब इसका यूनिट बताना है तो एफ का क्या होता है न्यूटन, न्यूटन दिया है अच्छी बात है जी, तो न्यूटन डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्योंकि हमको उसमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। आर का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और क्या है केजी स्क्वायर है, दो मास है, एम वन एम टू है, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये हो गया आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, कैलोरी निम्नलिखित मापन की इकाई है, कैलोरी किसका होता है जी, तो हमारे उष्मा का होता है, कैलोरी क्या है किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। अब जब भी जाइएगा तो ऊर्जा भी ऐसे में मापा जाता है किलो कैलोरी में, लेकिन उष्मा जो हीट होता है उसको मेनली किस में जी, आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाए हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि मैंने कैलोरी में ही बहुत सारे कैलोरी में ही यूनिट ले रहा हूं वहां पे, तो वो यही रीजन है कि वही क्या है हीट है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है हम लोग हीट के बारे में क्या करते हैं, हीट का नॉलेज लेते हैं, तो इसलिए हीट उष्मा क्या है जी, कैलोरी का यूनिट क्या जाएगा उष्मा। इस थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखिए कोई ऊर्जा भी कह सकता है ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा हीट और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहीं पे वो डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो उष्मा के लिए क्या होता है कैलोरी होता है जी यूनिट। घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है, घनत्व क्या होता है जी, तो घनत्व डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या होता है केजी, या आप देखिए सीजीएस में लिखना है तो एमकेएस में तो लिखना है तो केजी नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे ना, एमकेएस में अगर लिखना रहता है एसआई यूनिट में तो यहाँ केजी लिखते हैं, तो अब यहाँ सीजीएस पूछ रहा है तो ग्राम अपॉन वेलोसिटी क्या होता है तो सेंटीमीटर क्यूब, देखिए अब सेंटीमीटर क्यूब होता है जी, वॉल्यूम क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसमें मीटर क्यूब होता है एमकेएस में, लेकिन सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब देख लीजिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर ये हो गया। तो इस तरह लॉजिक बनाइए और समझिए जी, मैं हर एक चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाया हूँ, जो भी नए बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको समझने के लिए पहले मेरा आपको वीडियो देखना होगा हर एक चैप्टर का, जो जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ आप ऐसे भी बहुत दिन हो चुका है तो आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि मैंने सिलेबस एग्जाम से 1.5 महीना पहले सिलेबस खत्म किया जी, तो हमें ये बेनिफिट मिला है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा जी। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप इसको, अगर आपको लग रहा होगा कि स्लो है तो इसको आप कह लीजिए फास्ट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन है संवेग की भी मिसू, संवेग का फॉर्मूला देखिए, देखिए क्वेश्चन वही है बस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। एम भी, एम का क्या होता है जी, एम होता है वी डिस क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए एल पर सेकेंड तो टी, तो एम एल टी इनवर्स यानी बी आंसर हो जाएगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारे पास बी हो जाएगा। 30 का करते हैं, संवेग कि वही इकाई है जो होती है, संवेग का क्या होता है आवेग होता है जी, हमने तो नोट में ही याद रखा है, तो कुछ चीज अगर नोट में हमने पढ़ा रखा है तो उसको भी याद कर लीजिए, तो सी आंसर हो जाएगा 30 का। तो देखिए चलिए आज की टेस्ट में बस इतना ही और आगे डिस्कस करेंगे। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और क्वेश्चन नंबर 31 है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, 1 वोल्ट डैश डैश के बराबर होता है, 1 वोल्ट डैश डैश के बराबर है, ऑप्शन देख लीजिए और उसको जरूर बताइएगा जी, सब कोई कमेंट में लिखिएगा और आंसर इसका जवाब दीजिएगा जी। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ।